प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के 51,000 बूथों पर बूथ जिताओ और भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान का शुरुआत की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भी शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में दो बार दिवाली मनाई जाएगी, पहली 7 नवम्बर को और दूसरी मतदान के दिन 7 दिसंबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन के खिलाफ राजस्थान की आम जनता एकजुट होकर कांग्रेस के प्रति मतदान करेगी। आप लोगों से मेरा गर्भवती निवेदन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारी मुख्यमंत्री बैठकर ये साजिश रच रहे कि कैसे अपने 100-150 विधायकों पर तलवार गिरा दो, वो तो इस साजिश को बनाने में कामयाब हो नहीं पा रहे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर गली घरों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, और ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पूरे प्रदेश में है, ये सब आप लोगों की खातिर है। और मैं एक बात का विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, भगवान ने और प्रवाल ने आशीर्वाद दिया, जनता ने वोट दिया, जब निर्माण होगा नई सरकार का, उस सरकार के अंदर हमारे कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ लेकर हम आगे चलेंगे। और इसी बात को राहुल गांधी जी बार बार दोहराते हैं, निर्णय लिया है राजस्थान के जो 50-51,000 बूथ सब तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, वहाँ पर हमारे जो चिन्हित कार्यकर्ता हैं, जो सभी कार्यकर्ता हैं टास्क भी तो, और आज से लेकर मतदान के दिन तक जहाँ हमारे नेता पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे, वहीं हमारे बूथ के कार्यकर्ता अपनी वोटर लिस्ट के अंदर निगरानी रखें, लोगों तक जनसंपर्क व्यापक रूप से करें, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल तक लोगों को सताया है उससे निजात दिलाने के लिए 7 दिसंबर का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में दिवाली दो बार बनेगी, एक बार 7 नवंबर को, एक बार 7 दिसंबर को, क्योंकि 7 दिसंबर को यहाँ से विदाई होगी वसुंधरा जी की सरकार की। और आज जो हम लोग जयपुर शहर में कर रहे हैं, ज्योति जी प्रताप जी हम सब मिलकर हर बूथ पर नेता पहुँचे, संपर्क करें और भाजपा को एक्सपोज करने का काम करें। जो नारा हम लोगों ने दिया है पार्टी ने कि बूथ जिताओ और भ्रष्टाचार हटाओ, अगर बूथ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो स्वतः ही यहाँ से भाजपा का नाश होगा, उनका राज खत्म होगा और एक अच्छी सच्ची ईमानदार भागीदार वाली सरकार। पायलट साहब, बूथ तो बीजेपी बोलती है, बूथ का ये अपने कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल दे दें, पैसा दे दें, उनको लालच दें, फिर भी कई ऐसे बूथ थे अजमेर बाई इलेक्शन देखा हमने जहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा, किसी ने गलती से भी फूल का बटन नहीं दबाया। तो ये फूल और भूल जो है, जो कहावत बनती चली जा रही है, ये बिल्कुल सही कहावत है। और हमें लग रहा है कि आज का जो अभियान है वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर बूथ पर हमारा वर्कर वहाँ जा रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है, और आज से लेकर मतदान के दिन तक हम लोग पूरी सक्रियता से वहाँ पर लोगों को चौपन्ना करेंगे भाजपा के शासन के खिलाफ। वसुंधरा जी की सरकार का जाना तय है, और जब अपनी खुद पार्टी स्वीकार कर रही है कि उनको 160 में से 125 टिकट काटने पड़ेंगे, मुझे तो लग रहा है कहीं दिल्ली वाले लोग वसुंधरा जी का टिकट ना काट दें, ये भी चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक मीटिंग करने वाले हैं झालापाटन में, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, और 24 तारीख को झालापाटन में आम सभा करने के बाद वो बाई रोड कोटा आएंगे, लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जनसंपर्क होगा, और 25 तारीख को सीकर के अंदर एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन राहुल गांधी जी कांग्रेस करेंगे। तो हमारी पार्टी की तैयारी, हमारी कमेटीज की काम करने का जो तरीका है, और राहुल जी का जो विशेष फोकस राजस्थान में है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत भारी अंतर से अब बीजेपी चाहे कुछ कर ले, उन्होंने बहुत कोशिश करी है हमारे पार्टी के अंदर सेल लगाने की, लेकिन मामला उल्टा हुआ, जो बीजेपी के लोग नेता छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि उनके मान सम्मान को ठेस लगी है। और वसुंधरा जी की सरकार ने, वसुंधरा जी ने खुद ने, मैं तो कहता हूँ बेचारे MLA की गलती क्या है, अगर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे करप्शन ऊपर से होगा और गाजा आप अपने भाजपा के विधायकों पर गिरा दो, ये तो एक तरह से गलत काम है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है, वो चाहे जो मर्जी करें, किसी को खड़ा कर लें, लेकिन आने वाला चुनाव भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, घोटाला कमेटी काम कर रही है,
और पब्लिक की डिमांड को देखते हुए एक जनता का घोषणा पत्र होगा। हर एक जिले में लोगों से संवाद करेंगे, किसानों से, नौजवानों से, दुकानदारों से, उद्योगपतियों से, उनसे, और हम लोग ऐसा मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं जो पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा। उसमें झूठे वादे नहीं है, जुमले नहीं है, और हम लोग मैनिफेस्टो के साथ साथ कैंपेन काम कर रही है, नौ की नौ कमेटीज काम कर रही है। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैंटीन कम्युनिटी, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल हैव हुआ है। और जो चोरी और सीना चोरी हुई है उसको लोग देख चुके हैं, करप्शन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, फिर भी कोई दंडित नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली, उन लोगों को और प्रमोशन मिला है, उन नेताओं को बढ़ाया गया आगे, और वसुंधरा जी के कार्यालय से ही ये सारा पूरा नियंत्रित किया गया है। अब वो कुछ मर्जी कहें लेकिन पब्लिक के आगे कुछ चलने वाले नहीं है। गौरव यात्रा अधूरी हो गई एंड जल्दबाजी में खत्म करनी पड़ी। प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो भीड़ कहा था उससे थोड़ा सा ले लो, पब्लिक जुड़ नहीं रही, सरकारी धन का दुरुपयोग था वो बंद हो चुका है। अब चुनाव का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले कि कांग्रेस का वोट बैंक किसी तरह कम हो, लेकिन 36 कौम के लोग संकल्प ले रखा है कि कांग्रेस को ही हमको वोट देना है। बीजेपी पर डाल होता है वो मुख्यतः दोनों पार्टी के बीच में होता है, कांग्रेस और बीजेपी। अब ये बात सच है कि छोटे दल निर्दलीय एक आध दो पाँच सीट जीतते हर बार, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। और जो लोग भाजपा के कुशासन, भाजपा की गलत नीति के खिलाफ हैं, वो सब कांग्रेस को ही वोट आशीर्वाद देंगे। ए बी एस पी ऑल्सो कंडस्टिंग एलॉन्ट।